ये क्या है नैना? सच, मेरा सच। मुझे और मेरे छोटू को कोई मार देना चाहता है और आज वो शायद कामयाब हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा नैना। नहीं राघव, मेरे पास बताना। मैं वैसे भी तुम्हें बहुत दुख दे चुकी हूँ। मैं तुम्हारी माँ का कारण नहीं बन सकती। प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज नैना, ऐसे बात मत करो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उसे खत्म होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा नैना। मैं तुम्हें चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने तुमसे और छोटू से वादा किया था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं इसे भी कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज नैना, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। ओके? क्योंकि क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नहीं खो सकता तुम्हें नैना। पहली बार तुमने जाहिर किया और शायद आखिरी बार। कुछ आखिरी बार नहीं है नैना, ऐसे मत बोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा तुम्हें और छूट को। कुछ आखिरी बात नहीं है। ओके? जाना ना जाना हमारे हाथों में नहीं है राघव। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आई लव यू। ऑफ कोर्स आई लव यू। ये बात मैं इतनी आसानी से कह पा रही हूँ क्योंकि आज तक यही बात मैं अपने मन में रख रही थी। यही सच मुझे जीने की हिम्मत दे रही थी राघव। आई लव यू, आई लव यू। और आगे भी हिम्मत देगा नैना। मैं तुम्हें पाके जाने नहीं दे सकता। किस्मत हमें यूं मिला के अलग नहीं कर सकती। कैसी किस्मत लेकर आई हूं मैं? जब से हम मिले एक दूसरे के पास रहे लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर। जब हम पहली बार मिले किसी और के लिए, जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहा तो तुम मुझसे दूर चले गए। जब तुमने मुझे याद किया तो मैं चली गई। और ये सिलसिला, ये किस्मत का खेल हमें साथ नहीं होने देगी राघव। और देखो ना, आज ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी राघव। और तुम्हारी आंखों में जो प्यार देखना चाहती थी ना, वो मैंने आज देख लिया। अब मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ। नहीं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। चले जाओ यहाँ से राघव। वादा करो, वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे। नहीं नैना, हमारा नाता तो 7 जन्मों का है ना राघव। हम अगले जन्म में मिलेंगे और एक ऐसे जगह जहाँ पे कोई अलग ना कर सके। नैना प्लीज, आगे मत बढ़ो राघव। पहली बार मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो तुम्हारी इजाजत लेकर नहीं गई थी। मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहती। नैना प्लीज, आई लव यू। नैना रुक जाओ प्लीज, आई लव यू। नैना प्लीज। के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे।
अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। नैना, नैना आंखें खोलो प्लीज। नैना नैना कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हिम्मत मत हारना होगी। अरे जल्दी चलिए ना प्लीज। मुझे समझ तो मेरा, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। पर मुझे प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम। क्यों कर रहे हो मेरी नैना के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? वो तो सबसे अच्छी है, कितना विश्वास है उसे आप पर। आज अगर नैना और मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो लोगों का आप पे से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। प्लीज भगवान उसे बचाइए, प्लीज उसे बचाइए। राघव बेटे कैसा है तू? क्या हो गया तुझको? ये सब क्या है? कैसी लगी तुझे? तू ठीक है ना? क्या हो गया तुझे? क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ? किस बात की सजा में? रहना कहाँ है? बच्चा कहाँ? तू ठीक है ना? बोल। ये पापा, मेरे बच्चों पे रहम करो। मिस्टर राघव, राघव आपकी बताई हुई जगह पर हमारी पुलिस टीम पहुंच और पूरी तलाशी ली, लेकिन वहां पर हमें कोई भी अपहरणकर्ता कोई सुराग नहीं मिला। ये जो बम ब्लास्ट हुआ वो साधारण बम ब्लास्ट नहीं था। आप लकी हैं कि इतने भयानक बम ब्लास्ट में बच निकले। और नैना जी पे जो बम लगा था उसे हटाते वक्त आपने एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। आपकी जान जा सकती थी। जानते हो मेरी जान किस में बसती है? उस औरत और उसके बच्चे में। तो मुझे अपनी जान की परवाह कैसे होती, जबकि मेरी जान तो नैना में। आपको सुबह से लग रहा है कि इस हमले के पीछे खुरानास का हाथ है। आपने उनसे पूछताछ भी करवाई। मिस्टर राघव, क्या अभी भी आपको शक है कि जो हमला हुआ उसके पीछे खुरानास का हाथ है? मिस्टर मेहरा, डॉक्टर नैना कैसी है? वो ठीक है ना? Everything is fine, right? उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। क्या हुआ है? जी लड़का हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने बच्चे को बचा लिया। बच्चा कैसा? मैं नैना से मिल सकता हूँ अभी? मिस्टर मेहरा, इस समय उससे कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्या वो डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके? क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है और इस एक्सीडेंट की वजह से काफी इंटरनल इंजरी हुई है। इंटरनल इंजरी? क्या हुआ है उसको? लेकिन आप उसे बचा तो सकते हैं ना? आप बचा लेंगे ना? बस इतना बता दीजिए कि कुछ भी हुआ उसको आप बचा लेंगे ना? कुछ होगा नहीं ना उसको? इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बच्चा और माँ दोनों की कंडीशन क्रिटिकल है और इस ट्रॉमा की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसा मत कही है। मम्मी जी प्लीज सब्र कीजिए। मम्मी जी प्लीज। माँ माँ संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। माँ प्लीज। मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा। आप आराम कीजिए। मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज मेरे बच्चे को दे दो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे मुझे दे दो। घबराइए नहीं, आप आराम कीजिए। प्लीज राघव, राघव, ये लोग मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन लोग से बोलो ना, प्लीज इनको रोको ना। तुम रो क्यों नहीं रहे हो? इनको बोलो सर, एक बार मुझे मेरे बेबी को देखने दो, सिर्फ एक बार देखने दो, प्लीज बोलो ना हमको। डॉक्टर, क्या हम हमारे बच्चे के साथ बस एक मिनट रह सकते हैं? देखिए, हमारे लिए इस वक्त हर पल बहुत कीमती है। हमें जल्द से जल्द इसे सर्जरी के लिए लेके जाना है, प्लीज। सर्जरी? कैसे सर्जरी राघव? नाना, हाँ राघव, क्या हुआ मेरे छोटू को? छोटू, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। छोटू, राघव, कैसी सर्जरी? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, ओके? तुम बस आराम करो, अपने आप को संभालो। मैं हूं ना, बाकी सब मैं संभालूंगा। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ओके? हेलो, बुरी खबर है, नैना को बेटा हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप सुधा जी? ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो जीवित कैसे बची? समझ में नहीं आ रहा कौन सा नक्षत्र है जो उस माँ बेटे को बचा के रखा है। पता नहीं इसकी किस्मत कितनी बुलंद है, लेकिन हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमें खुशखबरी जल्दी मिलेगी। मतलब ये कि बच के तो निकल गए, लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन है माँ और बेटे दोनों की। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, वो जान बचाने की पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं। सो वी स्टिल हैव अ चांस। जीवन से इतना प्यार करना नैना को शोभा नहीं देता। जिस डोर से ये मौत बेटे लटके हुए है ना, उस डोर को अब काटना ही पड़ेगा। और ये शुभ कार्य मैं अपने इन शुभ हाथों से करूंगी। तो अब मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा, क्योंकि मैं नैना को इस बार जीतने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। भाई लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, हाथ कैसे ले सकते हैं? I'm not okay with it, भाई। It doesn't matter if it's okay with you or not. ये मेरा final decision है और अभी नहीं बदलेगा। रियान, एक खुशखबरी है। नैना को बेटा हुआ है। Wow। लगता है अपने पागल पति से बचने के लिए उसने खुद ही अपने आप को किडनैप करवा लिया था, ताकि अपने बच्चे को उस पागल इंसान से दूर पैदा कर सके। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। What? माँ, like seriously? उसने आपकी इतनी बेइज्जती की और आप? I can understand रिया, मैं समझ सकती हूँ कि राघव ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सही नहीं किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पत्नी के दुख की वजह से वो बेचारा बौखला गया हो। और तुम्हें तो पता है लोग गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, उसे माफ कर दो प्लीज। और मैंने ये भी सुना है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से नैना बहुत बुरी तरह से घायल हुई है। एक बार, सिर्फ एक बार हम जाकर उसे देखकर आते हैं, प्लीज। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन माँ राघव ने आपके साथ जो बर्ताव किया है ना, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। रिहान एक मिनट, वो हमारे समधी है। शायद अब नहीं है। हाँ, मैं अरमान से भी यही कह रहा था कि मैं अब अरमान और रीरा की शादी नहीं होने दूंगा। हमारा उस परिवार से कोई नाता नहीं है, महराज के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ, उसने जो आपकी बेइज्जती की है ना, मैं उससे भूलूंगा नहीं।
लेकिन बेटा माफ हो मेरी कसम, अब अगर आपने महराज से मिलने के लिए इस घर के बाहर कदम भी निकाला ना, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। महराज के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कोई दवाई नहीं लेनी। प्लीज आप दवाई ले लीजिए, दवाई नहीं लेंगे तो आप और बीमार हो जाएगी। चले जाइए यहाँ से। क्या हुआ नैना? दवाई नहीं लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, मेरा बेबी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और मैं यहाँ। क्या तुम अपनी तबीयत बिगाड़ रही हो? तो उसे कौन ठीक करेगा? बोलो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो बेटे को कौन ठीक करेगा? वहां घर पे उसके लिए सब तैयारी करनी है, छोटू का रूम बनाना है, बोलो ये सब कौन करेगा? ऐसे क्या देख रही हो? कितना कुछ प्लान किया मैंने छोटू के कमरे के लिए, और तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा मैं मेहनत करता रहूंगा और तुम आराम से महारानी की तरह बैठकर कुछ नहीं करोगी? नो वे। देखो मैंने बहुत कुछ प्लान किया है और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हें नर्सरी पेंट करवानी है, छोटू का रूम डिजाइन करना, और रोज रोज उसे बेड टाइम स्टोरीज भी तो सुनानी है, तो उसके लिए स्टोरी बुक्स भी तो चाहिए ना। कौन करेगा ये सब बोलो? देखो नैना, छोटू के कपड़े का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ओके, वो सब मैं नहीं कर सकता। तुम्हें तो वैसे भी मेरी चॉइस पसंद नहीं है, और उसके सामने तुमने मुझे गंदी गालियां दी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी छोटू के सामने? इसलिए देखो ये सब नहीं चलेगा, ओके? और हाँ, स्टोरी बुक्स भी तुम ही लेकर आओगी, ओके? क्या पता माँ की तरह इंटेलिजेंट हुआ तो अच्छा ही है ना। आई मीन मुझे तो वही पता है, लोटपोट वाली कॉमिक्स। सो कम ऑन, अपने लिए नहीं से, मेरे और छोटू के लिए तो तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा ना। डॉक्टर साहब अब कैसा है हमारा बच्चा? देखिए बच्चे को अंदरूनी घाव बहुत हुए हैं और उसका खून भी बहुत बह चुका है। बच्चे को आप अपना खून डोनेट कर दीजिए, आपका खून उसमें ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। क्या मेरा ही ब्लड चाहिए बेबी के लिए? देखिए बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और वो प्री मैच्योर भी है, इसलिए किसी और का खून यूज नहीं किया जा सकता है। आप उसके पिता हैं, इसलिए आपका खून ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपका डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच करता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपना खून डोनेट कर दें, बच्चे की बॉडी आपका खून रिजेक्ट नहीं करेगी और आगे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज जल्दी आइए जी। आप क्या करेंगे? वो बच्चा मेरा नहीं है, मेरा डीएनए उससे मैच नहीं होता, अब उसे खून कैसे मिलेगा? नैना नैना क्या करेंगे? उसे यहाँ कराना को बता रखा। रेहान का डीएनए बेबी से मैच होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।